इसको सेव कर देता हूँ। पिछले क्लास में तो इसी को पढ़े थे हम लोग। मैं कॉपी फाइल बात करके ब्राउजर में रन कर लेता हूँ, ठीक है? आवाज मेरा आ रहा है ना? हाँ, आवाज क्लियर आ रहा है। और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते थे, ठीक है, डेटा फिल कर देते थे और जो है हमारा डेटा दिखाई देने लगता था ऐसे। ऐसे ही जो है आ रहा था हमारा, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट करने का प्रयास करते हैं हम लोग। अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ और नया टेक्निक हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं पूरा जो है अभी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग फ्रेश प्रोग्राम बनाते हैं। जेएस चैप्टर वन ही शो कर देता हूँ मैं, टू। ये है बॉडी, स्क्रिप्ट लिया, लेट नेम इक्वल टू राम कर देता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो ये तो जो है नॉर्मल वेरिएबल बन गया है, कोई नई चीज नहीं है इसमें, ये आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो एक डेटा हम एक वेरिएबल में तो रख लेंगे, ठीक है, लेकिन मल्टीपल डेटा के लिए समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो जावा में तो आप क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। हेलो, हाँ, तो जावा में हम क्लास बनाते हैं और उसमें डिफाइन कर देते हैं कुछ डेटा मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। कैसे, तो ऑब्जेक्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, और नेम करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नेम में कुछ भी लूंगा, मेरा कॉमा दूंगा, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में IND इंडिया दे दूंगा, ठीक है, और कुछ भी मैं दे दूंगा। ईमेल ram@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जो डेटा मेंबर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हमें कॉमा के साथ सेपरेट कर देना है, राइट। और ध्यान ये रहे कि जो लास्ट वाला है, ठीक है, इस पे हमें कोई कॉमा नहीं देना, जो लास्ट वाला मेंबर कोई कॉमा नहीं देना है हमें, ठीक है। क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन देंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को करेंगे ओपन और क्लोज, ठीक। फिर उसके बाद हमें जो जो लेना है डेटा मेंबर, ठीक है, वहां पे डेटा मेंबर लेंगे और वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं मोबाइल ले लेता हूँ तो नंबर के लिए नंबर दे देंगे हम ऐसे, ठीक है, कॉमा देता हूँ। अब इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉक कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, पूरा देखिए प्रिंट हो गया हमारा एक तरह से, एड्रेस में इंडिया, ईमेल में ईमेल आ गया, मोबाइल में मोबाइल आ गया, नेम में राम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रिंट हो गया, राइट। ये तो नॉर्मल वेरिएबल है और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी पर्सन का डिटेल आ जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से हम बना लेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फुल नेम बताइए सर, क्या
क्या क्या कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को? जो ऑब्जेक्ट आप जावा में जो पढ़े थे ना ऑब्जेक्ट, सेम वही आप मान लीजिए, कोई दूसरा मत मानिए इसे, ठीक ना। अच्छा बस आप ये मान लीजिए कि जावा स्क्रिप्ट में लिखने का तरीका बदल गया और जावा स्क्रिप्ट में अलग है, जावा में अलग है। बाकी आप सेम मान लीजिए, जो ऑब्जेक्ट जावा में था वही है यहाँ पे, आप ये मान लीजिए, ठीक ना। बस ठीक है, बनाने का तरीका बदल गया, लिखने का तरीका बदल गया, ठीक ना। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट करा, ठीक है, तो सीधा पूरा डेटा हमें प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। जैसे जावा में टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर देते हैं और सीधा ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो पूरा आ जाता है ना डेटा। तो मान लीजिए कि यहाँ ओवरराइट हो गया टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं मानने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सच में यहाँ कोई टू स्ट्रिंग मेथड तो है नहीं ऑब्जेक्ट के केस में, हाँ ये ऑब्जेक्ट केस में नहीं है। ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पे नहीं है, मैं मानने की कह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अब हम ठीक क्या है, करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नेम प्रिंट हो अलग, एड्रेस प्रिंट हो अलग, ईमेल प्रिंट हो अलग, मोबाइल प्रिंट हो अलग, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, सिंपल कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए नेम, जैसे जावा में करते थे हम लोग, ठीक है। जैसे हम सब लोग जावा में ठीक करते थे है, वही काम हम कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए नाम आ गया, आ गया, ठीक है ना। शो हो रहा है ना स्क्रीन मेरा, हाँ शो हो रहा है, आपने मैं सही शो हो कंसोल रहा को है, और बड़ा करता हूँ, हाँ राइट है, आप सही दिख रहा है। देता हूँ अपना स्क्रीन जो है, तो इस तरह से जो है हम कर लेंगे, ठीक ना। अब मैं क्या करूँगा, नेम के साथ बाकी डिटेल को अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, बाकी डिटेल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ईमेल, फिर यहाँ पे मोबाइल भी लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे मैंने मोबाइल भी लिख दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो कंसोल में सारा डेटा देखिए आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है डेटा को अलग अलग एक्सेस कर लेंगे, अलग अलग हम शो करा लेंगे डेटा, ठीक है। हाँ ये वेब पेज एक्सेस कर लेंगे डॉट लगा के। हाँ अब जावा में आपने क्या पढ़ा था, कॉन्केटिनेट करना है तो प्लस का साइन देना पड़ेगा, यही पढ़ा था ना आपने। यही पढ़ा था, यहाँ पे भी कॉन्केटिनेट अगर करना है तो मैं क्या दे दूंगा, प्लस का साइन, ठीक है। ये दिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। अब बगैर कॉन्केटिनेट किए भी यहाँ पे काम चल सकता है, ठीक है। टेम्पलेट, लिटरल वगैरह और बहुत चीज़ें आ चुके हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें एकदम पुराना जावा स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो नेम कर दिया, फिर यहाँ पे एड्रेस कर लिया, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, दे देखिए नेम और एड्रेस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कॉन्केटिनेट कर लेंगे, ठीक ना। हाँ अब जैसे इसके पहले लिखना है हमें ऐसे कि नेम इस तरह से, तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसी के इधर यहाँ पे एड्रेस लेना है, ठीक है। तो एड्रेस ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से भी हम लिख लेंगे इसको। तो देखिए नेम आ गया, एड्रेस आ गया, राइट। तो ऑब्जेक्ट बनाने में और उसको एक्सेस करने में ये तो दिक्कत नहीं होगा अब, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक। चलिए अब मैं आऊँगा इधर, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट के केस में सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, इसमें ठीक है, मैं हाँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें और भी चीज़ हो जाता है, डिलीट हो सकता है, ऐड हो सकता है, लेकिन मैं वो कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी जो, ठीक है। जरूरत जैसे जैसे पड़ेगा हम काम करते जाएंगे, ठीक ना। चलिए मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एरे, ठीक है। ठीक है,
तो जो हम जावा में एरे बनाते थे वही एरे यहाँ पे भी है, ठीक है। तो एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला साइन देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, राम, श्याम, मोहन, ठीक है, ठीक है, इसी तरह का यहाँ पे बन जाएगा एरे, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो प्रिंट कर लें, नेम कर दूंगा यहाँ पे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सारा एरे आ गया यहाँ पे, ठीक। हाँ अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जीरो आया, फिर यहाँ पे आ गया राम, यहाँ पे वन है, फिर आ गया श्याम, टू है, फिर आ गया मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जीरो से इंडेक्सिंग काउंट होता है, जैसे जावा में होता था, ठीक है। जीरो अगर लिखूंगा मैं और प्रिंट करना चाहूंगा इसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राम आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम यहाँ पे एरे का काम कर लेंगे, एरे पे, ठीक है। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए एरे का लेंथ काउंट करना है, ठीक है, डॉट एल ई एन जी टी एच, ठीक है। तो लेंथ मिल जाएगा हमें, ठीक है, लेंथ में तीन आ गया, ठीक है, तो ऐसे हम काउंट कर लेंगे। अब हम चाहें लेंथ मतलब कितना साइज है एरे का, कितना लेंथ है, कितने एलिमेंट है इसमें, तो एक दो तीन, तीन था तो लेंथ में तीन दे दिया, ठीक है। लेंथ को वन से काउंट करता है और इंडेक्सिंग को जीरो से काउंट करता है, ठीक है। क्यों करता है जीरो से वन काउंट, तो ये मेमोरी ये लोकेशन वगैरह का जो है अलग कॉन्सेप्ट है, तो नहीं जाते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक ना। अब इसी में टू स्ट्रिंग मेथड भी है, ठीक है। अब टू स्ट्रिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया है कॉमा दे करके, ठीक है। अब इसी में जॉइन मेथड भी है, ठीक है, लेकिन मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो बीच बीच में ज्वाइन हो जाएगा जो, ठीक है। ये देखिए कॉलम कॉलम से ज्वाइन कर दिया, पर हमें ज़रूरत नहीं है इन सब को छोड़िए। ज्वाइन में जैसे सेपरेट कर देगा प्रत्येक प्रत्येक, क्या कह रहे हैं, जैसे हाइफन हो गया, डॉट हो गया, वो सब भी दे सकते हैं इसमें। हाँ मैंने डॉट दिया ना यहाँ पे, डॉट दे दिया तो डॉट के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है, देखिए डॉट। खैर इसका तो हमें अभी जरूरत नहीं है, तो इसको जो है अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब जो है इसको हम चाहें तो फॉर लूप के जरिए भी तो दिखा ही सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप के जरिए तो आप दिखा देंगे ना कि मैं चला दूं फॉर लूप, नहीं देख लेंगे हो जाएगा ना। चलिए तो मैं फॉर लूप पे नहीं जाता हूँ, फॉर लूप, स्विच केस, इफ एल्स, ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो जो है बेसिक चीज़ें जान ही रहे हैं आप, ठीक ना। हम इसमें दो काम करते हैं, ठीक है, एक काम तो एरे में और एलिमेंट जोड़ना, ठीक है, और एक चीज और कर लेते हैं कि एरे से एलिमेंट डिलीट करना, ठीक है, ठीक है। तो जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो अभी तो ये इंडेक्स जो है 0 1 से काउंट कर रहा है, ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर देंगे 3 और यहाँ पे डाल देंगे कुछ भी नाम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे आप ही का नाम मैं दे दूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये अपडेट होके दिखाई देगा, तो अपडेट होके जो है दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है
ऐड कर लेंगे। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है पुश करना, ठीक है। जैसे मैंने नेम लिखा डॉट PUSH, ठीक, पुश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोट में कुछ भी दे देता हूँ, जैसे ऐसे ही मैं एंट्री दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको फिर से चला देता हूँ नेम, ठीक है। तो पुश मेथड भी एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहले लिख रहे थे पुश से लिख सकते हैं। हाँ, पुश से भी लिख देंगे, पुश कर देंगे तो एलिमेंट उसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जावा में हम एरे में दोबारा से नहीं पुश कर सकते थे, एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यही अंतर है, ठीक है। अब डिलीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए पॉप आता है, ठीक है। तो जैसे नेम किया, फिर POP मैंने चला दिया पॉप मेथड, ठीक है। ठीक, दो बार मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया है। तो ये देखिए, पहले बार एलिमेंट एरे में ये टोटल था, ठीक है, ये टोटल था पूरा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पॉप कर दिया गया तो ये वाला आ गया, ठीक है। तो यही चीज है जो है इसमें, ठीक है ना। ठीक है, काहे के लिए मैं उसको हटा दिया। दूसरा टेक्निक क्या है, मैं पॉप को हटा देता हूँ, ठीक है। दूसरा टेक्निक ये है कि स्प्लाइस मेथड है, ठीक, स्प्लाइस। दूसरा टेक्निक है हमें डिलीट करने का, स्प्लाइस टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये बीच वाला एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे डिलीट करेंगे, तो स्प्लाइस मेथड का हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें दो पैरामीटर हम देंगे, दो आर्ग्यूमेंट हम देंगे। पहला आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, कौन सा एलिमेंट हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे श्याम डिलीट करना है, ठीक है। मैं जो पुश कर रहा हूँ अलग से इसको गायब कर देता हूँ, तो 0 1, वन नंबर पे श्याम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट में मैं 1 दे दूंगा, ठीक है। कॉमा देके दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट स्प्लाइस मेथड को चाहिए वो कि और कितना एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट में चाहिए कि कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट में ये चाहिए कि कितना एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है, 0 के लिए 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इससे पहला वाला डिलीट करेगा, और 2 यहाँ पे लिखा हूँ तो क्या करेगा, पहला वाला इंडेक्स से लेकर के 2 एलिमेंट डिलीट कर देगा। पहला इंडेक्स मतलब कौन सा है, ए वाला है, ये वाला तो 0 है, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ पे दे दूँ 2 दे दूंगा तो दूसरा एलिमेंट भी डिलीट कर देगा, ठीक है। मतलब जो इंडेक्स हम दिए उसके बाद से कितना एलिमेंट डिलीट करना है, ये चीज़ें हम दूसरा पैरामीटर में देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ चाहता हूँ श्याम डिलीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे दे दूंगा मैं 1, मतलब पहला एलिमेंट डिलीट करो मतलब श्याम, और यहाँ पे 1 दे दिया मतलब एक ही एलिमेंट खाली डिलीट करना है, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं डिलीट करना है। तो क्या होगा, सिर्फ श्याम डिलीट होगा, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, कंसोल में आया तो ये देखिए राम और मोहन है, ठीक है, बीच में जो श्याम था वो चला गया, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, श्याम भी चला जाएगा मोहन भी चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिर्फ राम बचा, श्याम और मोहन चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0 दे दूंगा तो क्या होगा, 0 में दे दिया तो अब क्या होगा, 0 इंडेक्स का तो ये है, तो राम चला जाएगा डिलीट हो जाएगा और श्याम भी डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमने 2 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो राम और श्याम 2 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे इसके कारण, ठीक है। रन करता हूँ मैं इसे,
सिर्फ मोहन आ बहुत गया। ठीक है, तो यही ठीक चीज है है। इसमें। मैं यहाँ पे वन दे दूंगा तो क्या होगा, सिर्फ राम डिलीट होगा। ठीक है, ऐसे। अब आप चाहें तो यहाँ से भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो एरे का नाम है नेम, यहाँ पे दे दिया 3 इंडेक्स, और उसके बाद क्या दे दूंगा मैं, SEMANT। ठीक है, एंटर मारा, एलिमेंट ऐड हो गया। ठीक है, देखना है तो क्या करें, ठीक है कंसोल डॉट लॉग, यहाँ नेम कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए, एक एलिमेंट यहाँ पे खाली रह गया क्योंकि सीधा में तीसरे में डाल दिया। ठीक है, डाल तो आप जावा स्क्रिप्ट का कोड कंसोल में भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दी। तो ये स्प्लाइस मेथड तो क्लियर है ना, हाँ और पुश वाला भी मेथड क्लियर होगा। क्लियर हो गया। जो यहाँ लिख रहे हैं और वो वहाँ लिख रहा है उसमें डिफरेंस तो रहता होगा। कहाँ कहाँ पे? जो गूगल पे लिख रहे थे अपन इंस्पेक्ट करके कंसोल पे। हाँ यहाँ पे डीबग वगैरह करने, यहाँ पे डीबग वगैरह टेस्टिंग वगैरह के लिए कुछ दे देता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट में कुछ एरर आया तो कंसोल पे दिखाई देगा, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए ये दे देता है। और ये कारण यह है कि जैसे यहाँ पे ग्लोबली मैंने बना दिया है पूरा जो है नेम में, तो यहाँ हाँ से जो है एक्सेस हो जाता है वो। अच्छा तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा ठीक नहीं है, हाँ लेकिन हाँ एक्सेस हो जाता है। यही फ्रेमवर्क वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेस नहीं होता, या फिर हम मेथड वगैरह बना के डाल देते हैं। ठीक है, तो यही है। ठीक है, ठीक है आगे चलें। हाँ तो जैसे यहाँ नेम का हमने एरे बनाया, हाँ वैसे ऑब्जेक्ट का भी तो एरे बना ही सकते हैं हम लोग, हाँ बना सकते हैं। ठीक तो बस वही काम करते हैं अब हम लोग। है स्टूडेंट्स ले लिया मैं, और इसके ऊपर मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, S1। हाँ ठीक है, लेट S1 इक्वल टू नेम ले लेता हूँ। ठीक है, राम ले लिया और MOBI ये ली मोबाइल के जगह पे, मोबाइल ले लिया। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ S2 के केस में। ठीक है, और यहाँ पे श्याम ले लूँगा मैं। ठीक है, मोबाइल नंबर हाँ में भी कुछ ऐसे ले लूँगा रैंडम। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूँगा। ठीक है, S1, S2, तो इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए नहीं होगा। भाई। जैसे हम पहले एक स्ट्रिंग का एरे बना रहे थे, नंबर का एरे बना सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट का भी तो बना सकते हैं ना। हाँ बस वही काम मैंने यहाँ पे किया है और कुछ नहीं करा है। ठीक है, अब ठीक यहाँ पे मैं आऊँगा, कर दूँगा प्रोग्राम रन, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, 0 नंबर इंडेक्स पे नेम में राम गया है, मोबाइल में ये गया है, 1 नंबर इंडेक्स में ये गया है। ठीक है, ये हाँ देखिए, ये प्रिंट हो गया टोटल। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा जो है। हाँ लाइक ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे S1 चला गया और 1 इंडेक्स पे ये चला गया। अब इसको सेपरेटली एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, तो हम पहले स्टूडेंट नाम का, ये तो एरे है ना, हाँ तो स्टूडेंट नाम के एरे में हम पास कर देंगे 0, तो क्या होगा, S1 वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट 0 लिखने का मतलब ए लिखना है, और ये लिखने का मतलब है कि पूरा ये यू लिखना है, राइट? राइट तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पूरा ये लिख दिया, या फिर आप मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने S1 लिख दिया। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, तो ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट आ गया ना,
हाँ इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब नहीं कोई जैसे दिक्कत नहीं। मैं इसको डिलीट अगर कॉपी करके नीचे पेस्ट करूं, ठीक है, S1 लिखा गया है, ठीक है, ठीक इसका मतलब और इसका मतलब दोनों तो बराबर ही है ना। है, हाँ बराबर ही है। अब मान लीजिए कि S1 यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, तो अब मेरे को नेम एक्सेस करना है इस स्टूडेंट के अंदर से, मुझे नेम एक्सेस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, डॉट लगा के यहाँ पे नेम कर लेंगे, क्यों? ऐसे जैसे यहाँ पे S1 जैसे मान लीजिए लिखा हूँ मैं, तो डॉट यहाँ पे नेम करेंगे तो S1 का तो नेम आ जाएगा ना। जाएगा तो ठीक उसी तरह से Student0 लिखा, मतलब इस वाले एरे को एक्सेस किया, मतलब ये वाला टोटल ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब एरे नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट S1 लिखा तो ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर से अब मैं नेम एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे डॉट लगा के नेम लिख दूंगा, राइट। तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, दो बार जो है नाम जो है प्रिंट होगा, ठीक है, ये देखिए दो बार आ गया नाम। हाँ तो इसको मैं हटा देता हूँ, अब वैसे ही नीचे आकर के मोबाइल नंबर हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ठीक तो इसमें तो दिक्कत होगा नहीं जो है, नहीं है दिक्कत। आसान है ये। हाँ आसान। अब इसी को फॉर लूप से अगर प्रिंट करना है तब तो हो जाएगा ना, प्रिंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं 1 दे देता हूँ, फिर इसको 1 दे देता हूँ, ठीक है, और रन कर देता हूँ तो दूसरे का आ गया। फॉर लूप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फॉर लूप में भी ऐसे ही हो जाएगा, फॉर आई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दे दूंगा 0, और फिर क्या दे देंगे, स्टूडेंट का लेंथ ले लेंगे यहाँ पे डॉट LENGTH, ठीक है, यहाँ पे आई लेस देन ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखा सेमीकोलन आई प्लस प्लस हो गया। लिखा है वहां पे आई लिख देंगे, तो इसी तरह से जो है एरे को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, एम और ओ ये दोनों का ऐसे। तो ये तो क्लियर है पूरा, इसमें तो दिक्कत आएगा नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। चलिए समय कितना हो गया जो है, 45, थोड़ा और देख लें या फिर क्या कहते हैं, खत्म कर दें आप? ठीक है आपकी इच्छा सर। हमारी इच्छा आपको तो पढ़ना है, हमें क्या इच्छा है, ठीक है कल देख लेंगे सर, वैसे ही बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 घंटे हो गए आज। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बाकी हम कल देख लेंगे, ठीक है, ओके ठीक, चलिए ओके। स्काइप पे रिकॉर्डिंग करा था आपने? नहीं मैंने नहीं किया, चलिए बाकी लोग यूट्यूब से देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक, चलिए ठीक, ओके, गुड नाइट।